कहां भटक गया मेरा देश? बारे भारत देश के नौजवानों, बारे भारत देश की आने वाली पीढ़ी, अभी कुछ और है और आगे कुछ और होगा, आगे कुछ और होगा, क्योंकि इंसान देखा होगा आप लोगों ने, अगर अपने हिंदुओं में यही नहीं मालूम पड़ती है कि देवी देवता कितने हैं, और मुसलमान लोगों में उनका एक ही देवता है वो है अल्लाह। देखा होगा आप लोगों ने किसी मुसलमान की बारात में जाना, नमाज का टाइम होगा तो दूल्हा भी नमाज पढ़ेगा, और जब हिंदू की बारात में जा पीपी शराब जनमाज से मजूत चलते है, इसीलिए हिंदू मिट रहा है। नसबंदी किसकी हो रही? हिंदू की। किसी मुसलमान की नसबंदी होते हुए सुना? मुसलमान कह देता हमारी कुरान में नहीं लिखा, हम नसबंदी नहीं कराएंगे। लेकिन ओरे हिंदू, तेरी कौन सी किताब में लिखा है तू उजड़ा हो जा। कोई पता नहीं। भारत देश ये गड्ढे में जा रहा है, क्यों? क्योंकि विद्वान तो ये बताते हैं कि समय समय पर हिंदू जाति और अपना मौका चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुल बारी सारी सूख गई। बारी सारी सूख गई। बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बार अकबर ने बीरबल से ये कहा, सुनो बीरबल, ये अब हमें मुसलमान का धर्म अच्छा नहीं लगता, हमें हिंदू बना लो। अकबर ने कहा था तो अकबर से बीरबल ने ये कह दिया, महाराज सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। यानी दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर सोचने लगे पता नहीं क्या हुआ, बीरबल आया, आज आए क्यों नहीं। तो अकबर बीरबल के घर पे पहुंचे तो क्या देखा कि बीरबल जो थे वे गधा को बढ़िया लठ साबुन से नभाए गए, पुरुष से गधा का। अकबर कहने लगा, क्यों बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, महाराज इस गधा को घोड़ा बना रहा हूं, इस गधे को घोड़ा बना रहा हूं। यानी अकबर बोला, महाराज बीरबल एक बात बता, क्या कभी गधा घोड़ा बन सकता है? बीरबल बोला, महाराज फिर मुसलमान कभी हिंदू बन सकता है? अगर ये भूल अगर बीरबल से नहीं होती, कबीर बल्की अकबर को अरे हिंदू नहीं बनाया था, और सुआ भाग की बेटी को दिन ब्याया करे तो बारी सारी
सो गई। ध्यान रखना, ये भारत देश गड्ढे में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। कैसे? यह हमारा भारत देश भूत में पड़ गया है, भूत में, भूत में। क्यों? भूत में। आजकल घर घर में भूत है, भूत है। मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हमारे देश के चार आदमी सुधर जाएं, तो ज्यादा नहीं कम से कम आधा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। कौन से चार आदमी? आओ जल्दी जल्दी मैं बताऊं।